आज दो बातें करेंगे। एक आज जो कोर्टरूम में हुआ, आज कोर्टरूम में इमरान खान बात कर रहे थे मीडिया के साथ, जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने आके उनके साथ बड़ी सख्त कलामी की और बदतमीजी भी की उनके साथ। और हमें भी बड़ा अफसोस हुआ कि हमने उनसे पूछा, आपने खान साहब के साथ बदतमीजी क्यों की? तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे तुम कह दिया था। तो हम यही कह सकते हैं कि इमरान खान, ये हम नहीं, सिर्फ जेल के बाकी भी अमला यही कहता है कि इमरान खान ने आज तक कभी किसी से बदतमीजी नहीं की। वो बड़े प्यार से सारे जेल के अमले के साथ पेश आते हैं। कभी उन्होंने कोई चीज़ जो उनका जायज़ जो जेल की कानून के खिलाफ हो, वो उन्होंने आज तक कभी कोई चीज़ मांगी भी नहीं है। और हमने उनसे पूछा कि आपने उनके साथ बदतमीजी क्यों कर रहे थे? एक एक इंसान 5-6 महीने से जेल में है और वो इतनी तमीज से रहते हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे तुम कह दिया था। हम यही कह सकते हैं जो पहले वाले आपके हुक्मरान थे, शायद इनको उन्हीं की आदत होगी कि वो इनको बिल्कुल सारों को, आप देखा करें, हम जो फुटेज देखते हैं उनके साथ गुजरते गुजरते ये हमजा वगैरह, तो इनको पीछे धक्का दे के इनको सीधा करके रखते हैं। इनको मुलाजमों की तरह रखते थे सारी पुलिस को। जब उनकी मुलाजमत कर रहे थे ये पाकिस्तान के लोगों के साथ, आप सोचें कि अगर इमरान खान के साथ भी जुल्म कर बदतमीजी कर रहे हैं तो बाकी हमारी आवाम के साथ ये लोग क्या करते हैं। तो अगर इस चीज़ के ऊपर हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे कि आप इमरान खान जब अच्छी तरह पेश आते हैं सबके साथ, तो हम ज़रूर आके बताएंगे। उसके ऊपर इमरान खान को भी गुस्सा चढ़ा, वहाँ मीडिया वाले भी लोग थे, उन्होंने उनके सामने काफ़ी नाराज़गी का इजहार भी किया था। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान को एक अदद दो नंबरिया फ्रॉड जज, जिसका नाम दिलावर था, उसने उनको कन्विक्शन की थी, जो कि हाई कोर्ट ने बड़ी मुश्किल से उसको सस्पेंड कर दिया था। लेकिन उनकी नाअहली तब ख़त्म होगी जब उनकी कन्विक्शन ख़त्म होगी। और सुप्रीम कोर्ट में इसकी दरख्वास्त लगी हुई है पिछले 3 हफ्ते या 1 महीने से। अब हम यही सिर्फ कह सकते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, काजी फायज ईसा साहब को, कि आप माशाल्लाह इतनी तेज़ी से और बड़े अच्छी तरीके से सबकी जो क्या कहते हैं जो पिटिशंस हैं बड़ी जल्दी जल्दी सुन रहे होते हैं, और आप माशाल्लाह लेट भी बैठ के सुन लेते हैं। तो हमारी ये अब हम अपील यहीं पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तो दरख्वास्त लगी हुई है कि आप इमरान खान की जो कन्विक्शन ख़त्म करने की अपील लगी हुई है, हम उनसे इल्तिजा करते हैं कि वो आप सुन लें, उनकी कन्विक्शन ख़त्म हो, उनकी ताकि नाअहली ख़त्म हो सके, क्योंकि कन्विक्शन ख़त्म होनी चाहिए। कोई वजह नहीं है कि उनको कन्विक्शन हुई भी हो। अगर वो ख़त्म होगी तो इनकी नाअहली ख़त्म होगी, ताकि इमरान खान इलेक्शन में खड़े हो सकें। अब अगर हम कल ही सुन लें तो बड़ा अच्छा होगा। हम आपसे मैं चाहूँगी कि वो इन कैमरा भी, हम चाह रहे हैं कि वो इन कैमरा जो वो कैमरा और पब्लिक में PTV पे आता है, हम चाहते हैं कि ये वाली अपील सुनी जाए, जब पूरा पाकिस्तान भी देख ले, जब वो इमरान खान को चीफ जस्टिस फायज ईसा इंसाफ फराहम करेंगे। मेहरबानी।